आज खुश तो बात हो गया था। रामचरण का ये वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि वो मंदिर में पहुंचकर किस तरह से शिवलिंग के आसपास सफाई कर रहे हैं। आई नो स्टूडियो के बाद बहुत सारे लोग मुझे भी गाली देने कहेंगे, भाई तू कर क्यों रहा है, हो गया सो हो गया, पुरानी बातें लाकर तू क्यों और क्या साबित करना चाहता है। तो चलिए आपको एक बार रिविजिट करा देता हूँ कुछ चीजें कि क्यों बहुत बड़ा अंतर है, जो कि जनता ने बताया है कि वाई पीपल लव साउथ इंडियन मूवीज और क्यों बॉलीवुड से धीरे धीरे इनका हिज प्रेम निकलता जा रहा है। अभी अपने जो शाहरुख खान वाला मसला हुआ है वहाँ की बात कर लेते हैं कि भाई बिकनी को लेकर बहुत कुछ उठाया गया है। तो आपको बता दूं, दिस इज नॉट इनफ, ये तो कोई बुनियाद ही नहीं है। तुम 2007 में मूवी भूल भुलैया को देख लो, देखिए कि नहीं देखिए, बहुत बढ़िया। उसका भूल भुलैया का टाइटल ट्रैक सुन लो, अब देख लो, समझ आ रहा है कुछ? ये पहली बार नहीं हो रहा भाई, ये बहुत पहले से हो रहा है। और अभी तुम्हें 2007 मतलब कि तब तो भाई साहब हम अपने कस्टम्स में, रिचुअल्स में, रिलीजन में बहुत कुछ अंदर तक थे। 2017 उसके 10 साल बाद एक मूवी आती है अल्लू अर्जुन की, डीजे, वो देख लो, द वे दे रिप्रेजेंटेड, भाई जिस तरीके से भाई पूजा पाठ हो रही है, जिस तरीके से रुद्राक्ष का सम्मान किया गया है, हर एक चीज़ टॉप नॉच रखी गई है। और बहुत से लोग तो अब एक बहुत बड़ा लॉजिक लेके आए कि शाहरुख खान को छोड़ो, तुम अमिताभ बच्चन को पकड़ो, मूवी नेम इज दीवार, बंदा मंदिर की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ता, क्योंकि भाई साहब भगवान से दिक्कत होने, उनका सब कुछ तो भगवान ने बिगाड़ दिया। भगवान से बात करता है कि आज कुछ तो बहुत हो गया, तुम वहीं पर तुम ऐसा नागार्जुन की पुरानी फिल्में उठाकर देखो, जिस तरीके से शिव जी को उन्होंने प्यार दिखाया, जिस तरीके के नंदी भगवान को उन्होंने बताया कि यार नंदी भी एक भगवान है, शिव के वाहन है, और उनकी ताकत के बारे में बताया है। अब RRR देख लो कि भाई किस तरीके से जो कैरेक्टर है राम, उसको दिखाया गया है, किस तरीके से हमारे कल्चर के और नज़दीक लाया गया है कि यस वी आर इंडियन। अभी ऋषभ शेट्टी के इंटरव्यू में आए थे और वहाँ पर अनिल कपूर आई थिंक सबसे सीनियर थे वहाँ पे, भाई साहब आपके आयुष्मान खुराना भी थे, मुरली भी थी, विद्या बालन भी थी, ही वॉज द वन जिन्होंने जाके पैर छुए अनिल कपूर के, बाकी के लिए बोले हाउ स्वीट। और उसमें अर्जुन कपूर का पता चलता है कि वो बोलते हैं कि नाउ यू नो हु इज द बाप ऑफ इंडस्ट्री। अरे भाई तुम साबित क्या करना चाहते हो कि भाई साहब तुम्हारे पैर छू ले तुम बड़ी इंडस्ट्री वाले बन गए? भाई बंदा आउट ऑफ रिस्पेक्ट पैर छुए हैं। बाकी जनता अब नाराज बैठे बहुत सारी चीज़ों पे, और पठान के बायकॉट को लेकर अब दीपिका के भी बायकॉट को स्टार्ट कर दिया है पब्लिक ने। भाई ये JNU में आई थी 7 जनवरी 2020 में, याद है तुम्हें कि जब कन्हैया भाषण दे रहा था, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी थी। अब देखते हैं भाई कहाँ से क्या होता है क्या नहीं होता, जनता क्या चाहती है क्या नहीं, वो तो कलेक्शन देख के ही पता चलेगा पठान का। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ आपसे जल्द, बाय बाय।